अगले 2 साल में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें से 10 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। इस वक्त उन 16 राज्यों में से 9 में बीजेपी की सरकार है और 2 में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की। बाकी के 5 राज्य बचे हैं जिनमें 3 में कांग्रेस और 2 में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। लेकिन जब इन्हीं 16 राज्यों में पिछली बार चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने 4 में सरकार बना ली थी और 1 में उसकी सहयोगी पार्टी ने। लेकिन बाद में बीजेपी ने 2 राज्यों कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सत्ता पलट दी। तो जानना जरूरी यह है कि चुनाव में जीत या किसी पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी पार्टी की सरकार बना लेना क्या पार्टी के मजबूत संगठन पर निर्भर करता है। तो जिन 16 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में 1 भी पद खाली नहीं है, यानी बीजेपी 100% ताकत के साथ काम कर रही है। पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के लिए पार्टी ने एक्स्ट्रा 300 लोगों की टीम बनाई है। इन्हीं 16 राज्यों में से 4 में कांग्रेस पदाधिकारियों के चुनाव तक नहीं करा पाई है। प्रदेश कार्यकारिणियां भंग हो चुकी हैं, 500 से ज्यादा पद खाली हैं। गुजरात राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बराबर की टक्कर दी थी या हरा दिया था वहां भी 300 से ज्यादा पद खाली हैं। जिन 16 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 10 बड़े राज्यों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इनमें यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी हैं। आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान चुनाव दिसंबर 2023 में कांग्रेस के जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की समितियां भंग हो चुकी हैं। बीजेपी वहीं पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। बीजेपी अगले चुनाव की तैयारी में लगी है। उसके पास 26 मुख्य पदाधिकारी हैं, 93 प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, 50 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, यानी 170 लोगों की जमी जमाई टीम है। इसके अलावा हाल ही में जिला, मंडल, मोर्चे, प्रकोष्ठ में कई नई भर्तियां की गई हैं। इनमें से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और किसान मोर्चा पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को मात देने वाली कांग्रेस की मौजूदा स्थिति ये है कि सभी प्रकोष्ठ, विभाग, 39 जिलाध्यक्ष और 400 ब्लॉक अध्यक्षों की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी सचिन पायलट की बगावत के बाद 14 जुलाई 2020 से भंग हो चुकी है। तब से केवल 39 पदाधिकारी ही कांग्रेस को चला रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव दिसंबर 2023 में कांग्रेस ने आखिरी बार 2018 में पदाधिकारी चुने थे। बीजेपी के सारे पद भरे हुए हैं। बीजेपी ने अपने 59 पदाधिकारियों के साथ 180 से ज्यादा की टीम का नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ वेबसाइट पर अपडेट कर रखा है। हमने 3 नंबर पर फोन किया तो नंबर उन्हीं लोगों ने उठाया जिनके नाम उनके सामने लिखे हुए थे। पिछले चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद आपसी फूट के चलते सरकार खोने वाली पार्टी कांग्रेस की स्थिति ये है कि 7 जुलाई 2018 को 84 पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी बदलने के बाद अब इनमें से कई पदाधिकारी भी पार्टी बदल चुके हैं। मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस फिलहाल कोई बात नहीं बता रही। गुजरात चुनाव दिसंबर 2022 में बीजेपी ने सीएम समेत मंत्रिमंडल बदल दिया और 160 पदाधिकारियों का संगठन मौजूद है। कांग्रेस में सिर्फ 3 लोग। चुनाव के 15 महीने पहले बीजेपी ने सीएम बदलकर पटेल समाज के भूपेन पटेल को कमान थमाई है। संगठन के तौर पर पार्टी में 160 लोगों की मुख्य कार्यकारिणी है। इनमें से 40 मुख्य पदाधिकारी हैं, 80 प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा जिला और मंडल स्तर के पद भी भरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश का संगठन पूरे 6 महीने से चरमराया हुआ है। स्थानीय नेता हाईकमान का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हार्दिक पटेल, करणदास सोनरी और डॉक्टर तुषार चौधरी। यही लोग पार्टी चला रहे हैं। पहले यहां 234 लोगों की एक पूरी टीम हुआ करती थी। पिछले चुनाव में कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के 12 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के पास फिलहाल 115 विधायक हो गए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पद भरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस 2 खेमे में बटी हुई है। बीजेपी ने 1.5 साल पहले चुनाव करा के सभी 81 सदस्य चुन लिए थे, कोई भी पद खाली नहीं है। हाल ही में एक सभा में प्रदेश प्रभारी पुंडेश्वरी देवी ने कहा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पलट कर थूक देते हैं तो बघेल की सरकार बह जाएगी। दोनों ओर से चुनावी मोड ऑन हो गया है। पिछले चुनाव में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस ने 67 सीटें और बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 40 सदस्यों वाली कार्यकारिणी है। सभी नियुक्तियां मार्च 2020 की हैं, लेकिन अगस्त में पार्टी में सीएम बदलने की चर्चा के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को दिल्ली तलब किया गया था। तब मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन महीने भर बाद आज फिर से आपसी लड़ाई की बैठकें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव फरवरी 2022 में बीजेपी की 172 की टीम है, कांग्रेस कमेटी में 114 सदस्य। यूपी बीजेपी के संगठन में 1 भी पद खाली नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यालय संपर्क प्रभारी तक सभी 172 पद भरे हुए हैं। सबके फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ यूपी बीजेपी के साइट पर अपडेट हैं।
हमने उन्हीं में से कुछ रैंडम नंबर्स चुने और कॉल किया। वो नंबर्स ऑन थे, उन्हीं पदाधिकारियों ने उठाए जिनका नाम वेबसाइट पर दिख रहा था। कांग्रेस में अब तक वेबसाइट की व्यवस्था नहीं है। 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी यानी UPCC में कुल 114 सदस्य हैं। इनमें से ज़्यादातर को प्रियंका गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त चुना था। हाँ, 2020 में भी कुछ भर्तियाँ हुई हैं। इन 114 सदस्यों के अलावा अभी 15 सितंबर को कांग्रेस ने एक स्पेशल 26 मीडिया पैनल लॉन्च किया है। ये 26 लोग योगी सरकार में घोटाले ढूंढेंगे और मीडिया तक लाएंगे। पिछले चुनाव में कुल 403 सीटों में से बीजेपी ने 312 और कांग्रेस ने केवल 7 सीटें जीती थी। पंजाब चुनाव फरवरी 2022 में कांग्रेस की टीम में 208 लेकिन दो फाड़ में बटे हुए लोग। बीजेपी में 29 पहले थे, 200 नए भर्ती कर लिए गए। पंजाब के पिछले चुनाव में कुल 117 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 23 पर ही चुनाव लड़ा था, जीत सिर्फ 3 पर मिली थी। फिर भी पार्टी ने प्रदेश में 29 पद जो पहले से बने हुए उनको भरा हुआ है। पार्टी का दावा है कि 200 नई भर्तियां की गई हैं, उनको जमीन पर काम करने के लिए भेज दिया गया है, अभी उनकी जानकारी पब्लिक नहीं की गई। 117 में से 77 सीटें जीतने वाली पंजाब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 208 सदस्य हैं, लेकिन दो धड़े में बटे हुए। एक को प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चलाते हैं और दूसरे को CM अमरिंदर सिंह। दो दिन पहले ही सिद्धू कैंप के 40 विधायकों ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ फिर सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी है। पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार कहते हैं कि टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस टूट सकती है। उत्तराखंड चुनाव 2022 फरवरी में बीजेपी ने CM बदलकर 34 पदाधिकारियों की टीम तैनात की है, कांग्रेस में सिर्फ 4 कार्यकारी अध्यक्ष। उत्तराखंड बीजेपी की वेबसाइट पर 34 प्रदेश पदाधिकारियों की सूची दी गई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चे तक के पदाधिकारी तैनात हैं। उनसे संपर्क करने की जानकारी भी मौजूद है। बीती 3 जुलाई को CM बदलकर बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि कांग्रेस पार्टी नई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं करा पाई है। पुरानी कार्यकारिणी में 150 से ज्यादा लोग थे, उन्हें अभी यही स्पष्टता नहीं है कि वे पद पर बने हुए हैं या नहीं है। जबकि पार्टी हरीश रावत और प्रीतम सिंह के दो खेमे में बटी हुई है। फिलहाल 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 33.5%। हालांकि कुल 70 सीटों में से बीजेपी ने 57 और कांग्रेस ने 11 ही जीती थी। गोवा चुनाव फरवरी 2022 में बीजेपी के 142 पदाधिकारी मोर्चे पर तैनात, 200 से ज्यादा पदाधिकारी भी नए भर्ती किए गए हैं। कांग्रेस ने बस चिदंबरम को भेजकर सुध ली है। गोवा बीजेपी भी चुनावी मोड में है। प्रदेश कार्यकारिणी में 142 पदाधिकारी मोर्चे पर तैनात हैं। इसके बाद भी 200 से ज्यादा महिला और युवा पदाधिकारी चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस का संगठन बीते 4 सालों में बिखर चुका है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कितने लोग हैं इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके पीछे की वजह पिछले चुनाव के बाद घटी घटनाएं हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से 17 कांग्रेस ने जीती और 13 बीजेपी ने, अन्य के खाते में 10 सीटें थी। ये सभी 10 विधायक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टी पर थे, पार्टी CM कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाई। इधर तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा पहुंच गए। सभी अन्य विधायकों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया और शपथ लेने से पहले 2 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 2019 आते आते बचे हुए 15 कांग्रेस विधायकों में से 10 ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 5 विधायक बचे हैं। बीते अगस्त में पार्टी ने पी चिदम्बरम को पर्यवेक्षक बनाकर गोवा भेजा था, उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव दिसंबर 2022 में बीजेपी ने CM को दिल्ली तलब करके हिसाब लिया है, कार्यकारिणी की जानकारी वेबसाइट से गायब है। बीजेपी ने गुजरात के CM बदलने के बाद हिमाचल के CM जयराम ठाकुर को भी दिल्ली तलब किया था। साथ ही बीजेपी की हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रही है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भाजपा कार्यकारिणी के कुल 34 पदाधिकारी हैं। इसके अलावा जिला, मंडल, मोर्चा, अलग अलग प्रकोष्ठ पर स्थायी और अस्थायी सदस्य बुलाए गए हैं। इनमें कुल 225 लोग हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के 150 प्रदेश पदाधिकारी हैं। इनमें से 2019 में चुने गए 40 पदाधिकारियों की सूची तो इंटरनेट पर मौजूद है, बाकी की जानकारी मौजूद नहीं है। मणिपुर चुनाव फरवरी 2022 में दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक जगहों से नदारद। बीजेपी की मणिपुर की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। पिछले साल जून में 9 विधायकों ने CM वीरेंद्र सिंह से अपना समर्थन हटाने को कहा था, तब उन्हें दिल्ली बुलाया गया। नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के चेहरे हिमंता बिस्वा सरमा को मणिपुर भेजा गया और सरकार बच गई। लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई सुगबुगाहट फिलहाल नजर नहीं आती। पिछले चुनाव में
कुल 60 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 37 सीटें जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 17। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा कहते हैं कि जब तक कांग्रेस में अहमद पटेल थे तब तक तो संगठन दुरुस्त रहता था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में संगठन को संभालने वाला कोई नेता नहीं है। जबकि बीजेपी अब भी संगठन की बात आती है तो अमित शाह की तरफ देखती है। आज जानना जरूरी है मैं इतना ही। अगर आपका कोई मशविरा हो या सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर कोई राय हो तो आपका स्वागत है। हमें कैसे भेजेंगे तो हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।